नव्या के शो में दिखेंगी ऐश। क्या ऐश मान गई? क्या ऐश ने श्वेता बच्चन से अपनी नाराजगी खत्म कर दी? और क्या बच्चन परिवार में सब कुछ ठीक हो गया? क्या ऐश खोलेंगी बच्चन फैमिली के राज ऑन नव्याज पॉडकास्ट? आपको क्या लगता है, ऐसा हो गया? वेल, ये हम नहीं कह रहे, ये तो बस स्पेकुलेशंस हैं कि ऐश और बच्चन खानदान में सब ऑल इज वेल है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघार्ग्य, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अरे रुको भाई, बड़ी जल्दी है आपको मामी ऐश को व्हाट द हेल नव्या 3 में देखने की। सच्चाई क्या है वो तो सुन लीजिए। पिछले कुछ दिनों से नव्या नवेली नंदा अपने पॉडकास्ट शो व्हाट द हेल नव्या को लेकर काफी चर्चा में है। इस शो में नव्या ने अब तक अपने नानी जया, मम्मी श्वेता और भाई अगत से नंदा से बहुत सारे टॉपिक्स पर बातचीत की। लेकिन पिछले कुछ दिनों से फैंस पीछे पड़े हैं कि जब पूरा का पूरा खानदान पॉडकास्ट में आ चुका है तो मामी जी कहाँ है, उनको भी बुलाओ, कुछ बात याद करो, राजवाज खोलो, कभी ऐश को भी मौका दो अपने दिल की बात करने का, ऐसा भी क्या रूठना। वेल, अब नव्या सोच में पड़ गई है कि मामी को बुलाऊं कि नहीं। बुला लिया तो कहीं मम्मी से डांट ना पड़ जाए, नहीं बुलाया तो फैंस नाराज ना हो जाए, बड़ी मुश्किल है रे बाबा। पिछले कुछ एपिसोड्स को लोगों ने काफी पसंद किया था, स्पेशली वो अगस्त्य वाला एपिसोड। तब से फैंस पीछे पड़े हैं कि अगस्त्य वाला एपिसोड तो मजेदार था, पर ये मजा और दोगुना हो जाएगा अगर एक्स मिस वर्ल्ड इस शो में आएंगी और तड़का लगाएंगी। वहीं कुछ लोगों ने उनसे मामा अभिषेक और नाना अमिताभ को भी इस टॉक शो में इनवाइट करने की बात की है। डिमांड तो हो गई, लेकिन सप्लाई कैसे पूरी होगी, यही सोच रही है शायद नव्या, क्योंकि ऐश्वर्या और बच्चन परिवार के बीच की खटपट तो जग जाहिर है। सुनने में तो ये भी आया था कि अमिताभ भी इन दिनों बहुरानी से नाराज चल रहे हैं और जया और श्वेता तो सास और ननद की भूमिका में एकदम फिट हैं। वैसे भी ननद भाभी में कभी पटी है जो अब पटेगी, पर अगर ऐश इस शो में आती है तो धमाका तो पक्का होगा। और क्या पता बातों बातों में कई बातें जो नहीं खुलनी चाहिए वो भी खुल जाए। लेकिन लगता नहीं कि नव्या फैंस को ये तोहफा दे पाएंगी, क्योंकि हाल ही में उन्होंने इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि टू मच ऑफ खानदान, अब बाहर वालों को मिलेगा चांस। उप्स, लगता है नव्या ने ये स्पेकुलेशंस पहले ही लगा लिया था कि ऐसी कुछ डिमांड आने वाली है, इसीलिए उन्होंने पहले ही फुल स्टॉप लगा दिया। सोचा होगा कौन सर पर बवाल ले, ऐश आई तो नानी और मम्मी दोनों का मुंह गुब्बारे की तरह फूल जाएगा, फिर पिचकाते रहो और रहा सहा मामू जान से रिश्ता भी खराब हो जाएगा, इसीलिए ये बिग नो है। वेरी स्मार्ट नव्या, फैंस जाए पर बच्चन्स पर आंच ना आए, ये तो अपने नानी और मम्मी पर गई है, राइट टाइम पर स्मार्ट मूव। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।